हेलो फ्रेंड्स, तो वेट लॉस सीरीज में मैं आपके लिए हाजिर हूँ लेके एक और नई रेसिपी जिसका नाम है मैंगो कोकोनट कूलर। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का टाइम है और ऐसे में हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो कुछ ठंडा ठंडा और रिफ्रेशिंग सा पीने का मन करता है, पर चूंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं इसलिए वो चीनी से भरा हुआ शरबत तो हम नहीं पी सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ड्रिंक की रेसिपी जिसमें शुगर जीरो है पर न्यूट्रिशंस इसमें भरपूर मात्रा में है। तो चलिए अपनी ये ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता, स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मैंगो और अब हम इसे आधा काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लोगों के लिए ये ड्रिंक बना रही हूँ इसलिए सिर्फ आधे मैंगो का यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब इस तरीके से हम इसमें चीरा लगा देंगे और इसके बाद इसमें ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से अगर आप मैंगो काटते हैं तो इसमें मैस बहुत कम होता है और ये जो जूस वगैरह गिरता है वो थोड़ा कम ही गिरता है, पर मैंगो है, जूसी है तो थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। तो अब इसमें से ये चंक्स मैं निकाल लूंगी, थोड़े से का मैं प्योरे बना लूंगी और थोड़े से चंक्स ऐसे ही रख लूंगी। तो ये देखिए, आधे का मैंने यहाँ पे चंक्स रख लिया है और आधे की प्योरी बना ली है। तो चलिए अब ड्रिंक बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कांच का जार और अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच मैंगो प्योरे। तो फ्रेंड्स, मैंगो जो होता है वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और चूंकि इसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है तो वेट लॉस करने में भी ये बहुत मदद करता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और इसमें विटामिन ए और सी होता है, तो इतने सारे गुण होते हैं हमारे मैंगो के अंदर। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से मिंट लीफ। मिंट लीफ गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, स्किन लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया एक नींबू का स्लाइस और अब हम इसमें डाल देंगे हमें गुड़ों का भंडार, नारियल का पानी। तो फ्रेंड्स, नारियल का पानी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बॉडी को डिहाइड्रेट रखता है, कई सारी बीमारियों से बचाता है, इसमें कैलोरी बहुत कम मात्रा में होती है और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से मैंगो चंक्स और इन सब चीजों को फिर हम मिक्स कर देंगे। तो देखा है, इसमें ना हमने चीनी डाला है ना ही कोई सिरप डाला है और बहुत ही डिलिशियस सा हमारा यहाँ पे मैंगो और कोकोनट कूलर बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें आइस डाल सकते हैं या तो इसे इस तरीके से बना करके आप पहले से फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा इसे इंजॉय कीजिए। तो एक लेमन स्लाइस से मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ जिसे देखने में ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। देखने में ये ड्रिंक ऐसी लग रही है जैसे हमने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में इसे ऑर्डर किया हो, वैसी ही बिल्कुल ये खूबसूरत सी और डिलिशियस सी देखने में लग रही है। तो जितनी ज्यादा ये देखने में सुंदर लग रही है उतनी ही ज्यादा ये टेस्टी है और उतनी ही ज्यादा ये न्यूट्रिशियस भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसी और बहुत सारी वेट लॉस रेसिपीज मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां भी जाके जरूर ट्राई करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वो कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यम्मी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।